महाराष्ट्र लॉ सीईटी 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये 18th of May को होने वाली है और अब बहुत ही कम दिन बाकी है हमारी इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जो जीके और करंट अफेयर्स ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है ये कवर करनी होती है। तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस सब्जेक्ट के लिए जो हमें पढ़ने हैं और ये टॉपिक्स जो है हमें बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करने हैं, और हमारे पास 30 डेज जो ये बाकी है ये 30 डेज में हमें ये टॉपिक जो है किस तरीके से पढ़ने हैं और कौन से जो है ऐसे पॉइंटर्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं उनके वेटेज के साथ जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज MNCET 5 ईयर LLB एंट्रेंस एग्जाम ये कैसा होता है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट जो है अपियर कर सकते हो। यहाँ पे एब्सोल्युटली पूरा का पूरा एक मॉक टेस्ट जहाँ पे आपको एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा, 150 क्वेश्चंस 120 मिनट्स वही टाइमर के साथ जो है एक एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। तो फटाफट से एक फ्री मॉक टेस्ट अपियर करो ताकि आपको आइडिया मिले कि पेपर जो है ये कैसे पूछा जाता है। अब देखो एज वी ऑल नो पेपर 150 मार्क्स का है और इसमें जीके और करंट अफेयर्स का वेटेज जो है ये 30 मार्क्स है। तो अब ये 30 मार्क्स जो है इसमें अलग अलग टॉपिक्स जो है हमें पूछे जाते हैं, ठीक है। एक होता है स्टैटिक जीके और एक होता है करंट अफेयर्स। तो पहले हम स्टैटिक पार्ट देखते हैं जिसमें हमें हिस्ट्री जो है पूछा जाता है 4 to 5 मार्क्स के लिए। अब हिस्ट्री में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं इसके 3 पार्ट्स है, एंशियंट, मीडिवियल और मॉडर्न। तो चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कुछ देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने होते हैं। एंशियंट पीरियड में हमें जो है सिविलाइजेशन कैसे हुआ इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे हुआ, अलग अलग वेदास जो है ये किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट में आए, इनका क्या रोल था, कैसे अलग अलग टाइप ऑफ वेदास होते हैं। उसके बाद कुछ रिलीजन्स का जो है इंडिया में जन्म हुआ, दैट इज बुद्धिज्म का जन्म हुआ एंड जैनिज्म का भी जन्म हुआ। तो इन रिलीजन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। उस टाइम पे कुछ बहुत ही डायनास्टीज थी और जो सबसे पुरानी डायनास्टी है वो कौन सी डायनास्टी है, मौर्यंस की डायनास्टी। तो हमें इनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए, गुप्तास के बारे में आइडिया होना चाहिए। ये एंशियंट हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। मीडिवल हिस्ट्री से हमें राजपूत की जो एंट्री हुई उसके बारे में पता होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में जो है हमें आइडिया होना चाहिए। इसमें अलग अलग डायनास्टीज जैसे कि स्लेव डायनास्टी, खिलजी डायनास्टी, सैयद डायनास्टी, तुगलक डायनास्टीज, ऐसे अलग अलग डायनास्टी थी तो हमें ये पता होना चाहिए। और किस तरीके से मुगल्स की एंट्री हुई इंडिया में और मुगल्स में ही जहांगीर के कोर्ट में जो है किसकी एंट्री हो चुकी थी, ब्रिटिशर्स की एंट्री हो चुकी थी और अदर यूरोपियंस की भी एंट्री जो है ये हो चुकी थी। तो इन लोगों ने एंट्री कहाँ पे की, फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे किया, किस तरीके से इन लोगों ने इंडिया में ग्रो किया, ये हमारे लिए मिडिवियल हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पे हमारे लिए मराठास जो है मॉडर्न और मिडिवियल दोनों पार्ट में आ जाएंगे एंड किस तरीके से इंडिया को इंडिपेंडेंस जो है ये मिला। अब इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे अलग अलग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स जो है ये हुए थे, 1857 में रिवोल्ट हुआ था जिसके बहुत सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिले थे। तो ये क्या था, कैसे हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, यहाँ तक जो है हमें किसमें कवर करना होता है, मॉडर्न हिस्ट्री में। नेक्स्ट ज्योग्राफी जो है उसका वेटेज 4 to 5 मार्क्स का होता है। अब ज्योग्राफी आइडियली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा होता है इंडियन ज्योग्राफी। हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हमें अलग अलग माउंटेन्स के बारे में पता होना चाहिए, अलग अलग रिवर सिस्टम्स के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, लेक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इंडिया का, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, उसके अलावा लैंड हो गया, हाईवेज वगैरह हो गए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेंसस के बारे में आइडिया होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर्स जो है इंडिया में इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ये हमारे कुछ क्या बन जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ये बन जाएंगे। वर्ल्ड लेवल पे हमें जो याद रखना है वो बेसिक जो डिविजन्स हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हो गए कैसे है, अलग अलग टाइम जोन्स हो गए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से अलग अलग सीज एंड ओशियंस हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम है
ये कैसे है, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फॉर 4 to 5 मार्क्स। इकोनॉमिक्स हमें 3 to 5 मार्क्स का आता है, जहां पे हमें देश के बैंकिंग सिस्टम के बारे में आइडिया होना चाहिए, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में आइडिया होना चाहिए। बजट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे लिए, जो अलग अलग 5 ईयर प्लान्स जो है ये बने थे इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। एंड सिक्योरिटीज, मार्केट जो है ये कैसे ऑपरेट करती है इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, जो इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि एग्जांपल ले लो WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके अलावा IMF हो गया, एटसेट्रा। ये हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज मिसलेनियस टॉपिक, जो हमें 5 to 8 मार्क्स के लिए ऑन एन एवरेज पूछा जाता है, जहां पे हमें फर्स्ट इन इंडिया इन वर्ल्ड के बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी जो 3 ईयर लॉ CET एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट RBI के गवर्नर कौन थे, ऐसे सारे क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। स्पोर्ट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। अलग अलग अवार्ड्स की जो कैटेगरी है, अगेन ये इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग कंट्रीज जो होती है उनकी जो करेंसीज होती है, जैसे इंडिया की करेंसी जो है ये क्या है गाइस, रुपीज है, तो अलग अलग कंट्री की करेंसी भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, इम्पोर्टेंट हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द करंट अफेयर पार्ट, अब करंट अफेयर का पार्ट जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 40% ऑफ द पेपर जो GK करंट अफेयर्स का होता है हमें पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स का जो पीरियड है, ये पीरियड हमारे लिए 1 ईयर का क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो हमारी एग्जाम जो है ये मई में है, करेक्ट, मई 24 में जो है हमारा एग्जाम है। तो अब हमारे लिए करंट अफेयर का 1 ईयर पीरियड कौन सा इम्पोर्टेंट होगा, जून 2023 से लेकर के मई 2024 तक का जो करंट अफेयर्स है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब ये करंट अफेयर्स का एक अलग से मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने वाली हूँ कि कैसे हम 1 मंथ में जो है 1 ईयर का करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। इसका अलग से मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने वाली हूँ कि कैसे जो है ये पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज करंट अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स कैटेगरी हो गया, अवार्ड्स कैटेगरी हो गया, फिर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा हमें जो है यहाँ पे अलग अलग लोगों की जो अपॉइंटमेंट्स होती है ये पढ़ना होता है, बहुत सारा कंसेप्ट्स पढ़ना होता है। आप ही सोचिए, एक साल का करंट अफेयर जो है, अब हमें लास्ट जो है वो रे 1 ईयर का करंट अफेयर 1 मंथ में कवर करना है। तो इसकी बहुत ही मस्त स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको वो स्ट्रैटेजी वीडियो मिल जाए, और ट्रस्ट मी आप आसानी से पूरे साल का करंट अफेयर्स जो है कर पाओगे। तो गाइज ये प्रिपरेशन जो है कैसे करनी है, बिकॉज लास्ट 1 मंथ बाकी है, कैसे करनी है प्रिपरेशन, तो बी एडुकेयर आपके लिए लेके आ रहा है ऑनलाइन लाइव स्मार्ट बैच, जहां पे आपके रेगुलर लेक्चर्स होंगे, सारे डाउट्स जो है आपके लाइव क्लास में ही सॉल्व हो जाएंगे, और वो क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी ताकि आप अपने हिसाब से रिविजन कर सको। ई बुक्स आपको मिलेंगी पढ़ाई करने के लिए, ताकि आपके पास सही कंटेंट हो पढ़ने के लिए। 350+ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे MCQ सॉल्व करने के लिए, जिसमें 1500+ MCQs होंगे। 10 मॉक टेस्ट मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए, ताकि आप एग्जाम जो है अच्छे से अपियर कर सको। एक मॉक टेस्ट अपियर करके देखो आपको कितना मार्क्स आ रहा है, आपको पता चलेगा कि मुझे और कितनी प्रिपरेशन करनी है। साथ ही साथ आपका वीकली करंट अफेयर का टेस्ट भी होगा, जो एग्जाम तक का पोर्शन है वहां तक के करंट अफेयर आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ आप जो है यहाँ पे आपको ब्रह्मास्त्र बैच, मतलब एग्जाम के पहले आपका जो है मास्टर ब्लास्टर जो है मैराथन लेक्चर्स होंगे, एग्जाम के ठीक पहले 5 सब्जेक्ट के 5 दिन में लेक्चर्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कैप राउंड का पूरा गाइडेंस मिल जाएगा, इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए 300+ वो कैप वीडियोस मिल जाएंगे। तो गाइस अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो आप घर बैठे पेपर के लिए जो है तैयारी कर सकते हो, और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए देख रहे हो
तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जो है घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। ये एड्रेसेस है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री काउंसलिंग जो है एग्जाम का मिल जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री काउंसलिंग, पूरा आपको एग्जाम का गाइडेंस जो है ये मिल जाएगा। तो आप फटाफट से यहाँ पे विजिट करो अगर आप फ्री जो है यहाँ पे काउंसलिंग चाहते हो और ऑफलाइन कोचिंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हो। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें इस नंबर 8383818888 पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो ये सिर्फ एक नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल है गाइस। अगर आपको टेस्ट पैक चाहिए तो आपका प्राइस जो है 6499 हो जाएगा। और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए बुक्स का, आपको लग रहा है मुझे ई कॉपी नहीं चाहिए, तो आपको ये इस प्राइस में मिल जाएगा। तो बिना कोई देरी के फटाफट स्टार्ट करो। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो ठीक इन्हीं स्टूडेंट्स के जैसे जो लास्ट ईयर 2023 के टॉपर्स थे, बी एडुकेयर के स्टूडेंट्स थे, आज अपनी ड्रीम लॉ कॉलेज जीएलसी आईएलएस में है, तो ठीक इन्हीं स्टूडेंट्स के जैसे आप भी अगर अपना ड्रीम अचीव करना चाहते हो तो फटाफट से, जैसे स्मार्ट स्टूडेंट हो आप लोग, फटाफट से ऑनलाइन स्मार्ट बैच को ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट करो। एंड डोंट फर्गेट, मॉक टेस्ट जो है आपके लिए एक फ्री है, एक फ्री मॉक टेस्ट को अपियर करो। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बी एडुकेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स और टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल।